Hello, my all dear friends. I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel, English Master. Dear friends, in today's lecture, we are going to learn a new topic and this is about airport communication skills. Okay, friends, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप एयरपोर्ट पे हो, आपको चेक इन करना है या फिर आपको पता नहीं आपका प्लेन कहाँ से डिपार्ट होने वाला है, कौन से गेट से, आपको चेकआउट कहाँ से करना है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो वोकैबुलरी होती है फॉर द एयरपोर्ट कम्युनिकेशन स्किल की, आज हम वो सेंटेंसेस वो वर्ड्स पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी सेंटेंस का हम मीनिंग पढ़ेंगे हिंदी में. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, एयरपोर्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेर इज द चेक इन काउंटर फॉर इंडिगो एयरलाइन, वेर इज द चेक इन काउंटर फॉर एयर इंडिया एयरलाइन. आपको पता होना चाहिए आपने कौन से एयरलाइन का टिकट बुक किया है, उस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइन का चेक इन काउंटर कहाँ पे? इसके लिए ये क्वेश्चन है, वेर इज द चेक इन काउंटर फॉर इंडिगो एयरलाइन. सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, इज माई फ्लाइट ऑन टाइम, क्या मेरी फ्लाइट टाइम पे आने वाली है. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज माई फ्लाइट डिलेड, फ्लाइट डिलेड यानी कि अगर आपकी फ्लाइट उड़ान के लिए समय लगा रही है, अगर वहाँ पे देर हो चुकी है, डिलेड यानी कि देरी होना. ओके, सो हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, ये क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज माई फ्लाइट डिलेड, मेरी फ्लाइट कितने देर तक डिले हो चुकी है. वेर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ पे है. वेर इज द इंटरनेट लॉन्च, इंटरनेट लॉन्च कहाँ पे है. वेर इज द स्मोकर्स लॉन्जर यानी कि स्मोकिंग करने के लिए जो लॉन्च रहता है एयरपोर्ट पे, वो कहाँ पे है. कैन आई गेट अ विंडो सीट, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, एयरप्लेन में थ्री टाइप्स ऑफ सीट होते हैं. फर्स्ट इज हमें पता होता है विंडो सीट यानी खिड़की के पास का, मिडल सीट यानी बीच में का, लेकिन साइड में का जो सीट होता है उसे बोलते हैं आईएल सीट. ओके, उसका स्पेलिंग है AISLE, उसको ISL नहीं बोलेंगे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आईएल सीट. ओके, सो देखिए, कैन आई गेट अ विंडो सीट, कैन आई गेट अ मिडल सीट, कैन आई गेट अ आईएल सीट, इस तरह से आप उनको पूछ सकते हो. वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, अगर आप बाहर निकले हो प्लेन से और आप टैक्सी के लिए देख रहे हो कि टैक्सी कहाँ पे मिलेगी, तो ये क्वेश्चन पूछिएगा फ्रेंड्स, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी. ओके, वेयर कैन आई फाइंड अ बस, बस मुझे बस कहाँ पे मिल सकती है. वेयर इज द बैगेज क्लेम, इसका मीनिंग है वेयर कैन आई कलेक्ट माई लगेज और बैगेज, कि मैं मेरा लगेज या फिर बैगेजेस, मेरा जो सामान है वो वहाँ कहाँ पे कलेक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. वेयर इज द बैगेज क्लेम. वेन शुड आई बी एट द डिपार्चर गेट, वेन शुड आई बी एट द डिपार्चर गेट. डिपार्चर यानी कि निकलना, प्लेन जहाँ से उड़ान करने वाला है उसे बोलते हैं डिपार्चर, और प्लेन जहाँ पे आएगा उसे बोलते हैं अराइवल. अराइवल टाइमिंग यानी आने का टाइम, डिपार्चर टाइम यानी कि उड़ान भरने का टाइम, ये ध्यान में रखिएगा. वेर शुड आई बी एट द डिपार्चर गेट, वेर इज द डिपार्चर गेट, प्लेन कौन से गेट से निकलेगा. इज माई कनेक्टिंग फ्लाइट ऑन टाइम, सपोज फ्रेंड आपने नॉन स्टॉप फ्लाइट बुक नहीं की है, यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, एक होता है नॉन स्टॉप फ्लाइट जो कि एक पुणे से निकलती है तो बॉम्बे, जो बॉम्बे अगर आपको जाना है तो नॉन स्टॉप जाएगी, कहीं पे ठहरेगी नहीं. लेकिन देर आर सम कनेक्टिंग फ्लाइट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल करना है, डोमेस्टिक ट्रैवल यानी कि आपको इंडिया के अंदर ट्रैवल करना है तो उसे बोलेंगे डोमेस्टिक. सपोज आपने पुणे से टिकट किया है चेन्नई के लिए एंड वो फ्लाइट जाएगी दिल्ली से या फिर बॉम्बे से, अगर वो दिल्ली ठहरती है फ्लाइट एक घंटा दो घंटे के लिए तो उसे बोलते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट. ओके फ्रेंड, ये ध्यान में रखिएगा. अभी देखिए यहाँ पे there are some series of questions आपको येस या फिर नो में जवाब देना है. ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है. मे आई सी योर टिकट प्लीज, आपको एयरपोर्ट पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे आई सी योर टिकट प्लीज, क्या मैं आपका टिकट देख सकती हूँ. हियर यू गो, ये लीजिए प्लीज. इज एनीबडी एल्स ट्रैवलिंग विथ यू, अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है क्या, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इज एनीबडी एल्स ट्रैवलिंग विथ यू. नो, इट जस्ट मी, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो नो, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ. अगर आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है तो आप बोल सकते हैं येस आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली मेम्बर्स. ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, प्लीज रिस्पॉन्ड विद अ येस और नो. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, प्लीज येस और नो में जवाब दीजिएगा. ये वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे बताया जाएगा तो सिर्फ ओके बोल दीजिएगा. ओके, अभी क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, डिड समवन यू डू नॉट नो आस्क यू टू टेक समथिंग ऑन द प्लेन विथ यू. डिड समवन यू डू नॉट नो
ask you to take something on the plane with you. क्या जो आप किसी अनजान व्यक्ति को क्या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको प्लेन में उनका सामान लेने के लिए बोला है क्या? आंसर होना चाहिए नो, और आपको लेना भी नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन होगा, डिड यू हैव पोजेशन ऑफ योर बैगेज सिंस यू पैक्ड? पैक जब से किया है तब तक क्या आपके पास आपके बैगेजेस आप ही के पास थी? तो यस, इसका आंसर दीजिए यस. थर्ड क्वेश्चन होगा, डिड यू लीव यूअर लगेज अनअटेंडेड एट ऑल इन द एयरपोर्ट? क्या आपने एयरपोर्ट पे आपका लगेज ऐसे ही छोड़ के कहीं इधर उधर गए थे क्या? तो आंसर दीजिए नो. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर यू कैरिंग एनी वेपन्स और फायर आर्म्स? क्या आप कुछ वेपन्स यानी कि कुछ हथियार आपके साथ लेके जा रहे हैं क्या? आंसर दीजिए नो, और लेके जाइएगा भी मत. आर यू कैरिंग एनी फ्लेमेबल मटेरियल? फ्लेमेबल यानी कि आग लगने वाले ऐसे कुछ पदार्थ आप कैरी कर रहे हो क्या? नो. डू यू हैव एनी पैरिशेबल फूड आइटम्स? नो, इसका भी आंसर होना चाहिए नो. तो आगे से आपको आंसर आएगा, ग्रेट. कैन यू प्लेस यूअर बैगेज ओवर हियर? कैन यू प्लेस यूअर बैगेज ओवर हियर? क्या आप अपना लगेज वहाँ पे छोड़ेंगे? श्योर. वुड यू लाइक एन आयल और विंडो सीट और मिडल सीट? आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर देखिए. वुड यू लाइक एन आयल, विंडो और मिडल सीट? आपको आयल सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, मिडल सीट चाहिए? डिपेंड्स ऑन यू. विंडो सीट प्लीज, आयल सीट प्लीज, मिडल सीट प्लीज, जो सीट चाहिए आप बोल सकते हैं. तो आपको आंसर इस तरह से आएगा, ओके आई एम प्लेसिंग यू टू सॉरी ओके आई एम प्लेसिंग यू ऑन 23C. दिस इज द आईएल सीट, द गेट नंबर इज C2. वो आपको बताएंगे कि गेट नंबर कहाँ कौन सा है. द गेट नंबर इज C2, इट इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द टिकट. टिकट के बॉटम में गेट नंबर लिखा होगा, ध्यान से पढ़िएगा. दे विल स्टार्ट बोर्डिंग 20 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर टाइम. आपको बोर्डिंग करना है यानी कि प्लेन में जाने के लिए 20 मिनट पहले छोड़ा जाएगा. C2 इज लोकेटेड अराउंड द कॉर्नर थ्रू द हॉल. यहाँ से निकलते ही कॉर्नर में आपको C2 गेट दिखेगा. थैंक यू, इस तरह से वो आपको बोल सकते हैं. तो आप पूछिएगा कि उनको, कैन यू पॉइंट मी टू गेट C2? ये देखिए, कैन यू पॉइंट मी टू, समझ में आया? हमने इससे पहले का जो लेक्चर लिया है, हाउ टू आस्क डायरेक्शंस इन इंग्लिश विथ हिंदी, वो लेक्चर ध्यान से पढ़िएगा. ये आपको डायरेक्शन पूछना है, कैन यू प्लीज पॉइंट मी टू गेट C2, जहाँ से आपकी फ्लाइट डिपार्ट होने वाली है. श्योर, दैट इट्स दैट वे, अराउंड द कॉर्नर. ग्रेट, थैंक यू सो मच. इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो. इंग्लिश मास्टर इज द प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब टू प्रोवाइड द फ्री ऑफ इंग्लिश नॉलेज इन हिंदी एंड इन मराठी ट्रांसलेशन. हम हिंदी एंड मराठी में ट्रांसलेटेड किए गए सारे वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल फ्री में डेवलप हो, ना कि इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़े. ओके, अभी हम फटाफट रिविजन लेते हैं फ्रेंड्स. देखिए, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे. मी आई सी योर टिकट, हियर यू गो. इज एनीबडी एल्स ट्रैवलिंग विथ यू? नो, इट जस्ट मी. डू यू हैव योर पासपोर्ट विथ यू? येस, हियर इट इज. आई एम गोइंग टू आस्क यू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज रिस्पॉन्ड विथ एस और नो. ओके, डिड समवन यू डू नॉट नो आस्क यू टू टेक समथिंग ऑन द प्लेन विथ यू? नो. Did you have possession of your luggage since you packed? Yes. Did you leave your luggage unattended at all in the airport? No. Next question dekhiye friends, jo aapko pucha jayega. Are you carrying any weapons or firearms? No. Are you carrying any flammable material? No. Do you have any perishable food item? No. Great. Can you please place your luggage over here? Sure. Would you like an aisle, middle or window seat? Window seat please. नेक्स्ट हम करें वो आपको ये आंसर या फिर ये क्वेश्चन बोल ये आपको डायरेक्ट करेंगे. दिस इज द डायरेक्शन. ओके, आई एम प्लेसिंग यू ऑन 21C. द गेट नंबर इज C2. इट इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द टिकट. दे विल स्टार्ट बोर्डिंग 20 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर टाइम. C2 इज लोकेटेड अराउंड द कॉर्नर थ्रू द हॉल. थैंक यू. कैन यू प्लीज पॉइंट मी टू C2? श्योर, इट्स दैट वे, अराउंड दैट कॉर्नर. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इस तरह से आपका एयरपोर्ट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा. ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, हमारे चैनल का लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा. ऑल द वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वीडियोस पे जाइए आपको मिलेंगे. टिकटॉक पे भी हमको आप फॉलो कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.